Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Rural Livelihoods in Civics, which is the 8th chapter in Civics. Okay, and under this chapter we have completed our discussion regarding the Kalpattu village, what people do in order to earn their livelihood in the village Kalpattu. We have discussed all these things, and after that we have started about one more village which is not very far from Kalpattu village, and the name of the village is Pudupet, isn't it? Pudupet. And in this village the most important source of livelihood for people is fishing, है ना? यहाँ पर लोग जो है वो फिशिंग करके अपना मनी अर्न करते हैं और अपने लाइफ के जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करते हैं. ठीक है, वाई पीपल आर एंगेज्ड इन द फिशिंग एक्टिविटी? बिकॉज देयर हाउसेज इज क्लोज टू द सी. ओके, बिल्कुल सी के वो किनारे हैं, कोस्टल विलेज है ये. कोस्टल क्या हुआ, जो समुद्र के किनारे हो, है ना? तो इन दिस विलेज वी वर डिस्कसिंग अबाउट अ पर्टिकुलर फैमिली दैट इज अरुणा एंड पारिवेलन. सो what we have seen that in this village how people work, usually people go for fishing at 2 o'clock in the midnight, we can say in the morning, it's 2 a.m. hai na, 12 o'clock jo raat ka hua, midnight hua, uske baad 1 o'clock, fir 2 o'clock. To us samay people, male members, they used to go to the sea in order to do their work, in order to do that fishing, and they come back by 7 o'clock. And after coming back from their work, what happens that the selling of the fish is started. And we have seen ki when selling is done, one of the most important way to sell the fishes is auction. And what is auction? Auction is the price of something which is to be sold is not decided earlier. The price is not fixed. The price will be fixed during the process of selling. अगर किसी भी जिस चीज को बेचा जा रहा है, the thing which is to be sold, if people are demanding that thing in high, है ना, लोग उसको बहुत ज्यादा उसके लोग डिमांड कर रहे हैं, काफी अच्छी चीज है, तो फिर उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ जाता है इन ऑक्शन. एंड अगर वो प्राइस, अगर वो सामान उतना उसका डिमांड नहीं हो रहा है तो वो उसका प्राइस कम हो जाता है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लास, है ना? तो इसी को हम ऑक्सन कहते हैं. और फिश जो लेकर आते हैं फिशरमैन, जब उसकी सेलिंग होती है तो उसमें भी वही बात होती है. सपोज कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की फिश है तो उसके लिए लोग ज्यादा, दे आर रेडी टू पे मोर मनी, है ना? तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी. और अगर फिश अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो फिर दैट विल नॉट बी डिमांडेड बाई पीपल, है ना, लोग उसको उतना पसंद नहीं करेंगे और तब उसकी प्राइस घट जाएगी. तो यही ऑक्शन होता है कि किसी भी चीज की प्राइस पहले से डिसाइडेड नहीं है, बल्कि जिस चीज को बेचा जाना है उसकी जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड करती है, जो खरीदने वाला है वो कितना देने के लिए तैयार है. तो मैक्सिमम इसमें लिया जाता है, फायदा होता है, इट इज प्रॉफिटेबल, है ना? अगर हमारा सामान अच्छी क्वालिटी का है तो हमें प्रॉफिट होता है. तो जब फिशरमैन जब लेकर आते हैं अपने कैच को, तो उसमें फिर जो फिश होती है उसको क्या किया जाता है, ऑक्शन किया जाता है.
तो अब हम लोग अरुणा और पारिवेलन को देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। अरुणा एंड पारिवेलन दे आर कपल एंड वी सी दैट अरुणाज ब्रदर इज ऑल्सो देयर एंड अरुणाज ब्रदर इन लॉ। दीज थ्री पीपल, पारिवेलन, अरुणाज ब्रदर एंड अरुणाज ब्रदर इन लॉ, दीज थ्री पीपल गो फॉर फिशिंग एवरी डे, है ना। एंड वेन दे कम बैक वॉट हैपन्स दैट अरुणा इज देयर, सी वॉट सी डज विद द कैच, जो भी वो लेकर आते हैं फिश उसके साथ क्या होता है कि अरुणा कीप सम ऑफ द फिश फॉर द फैमिली इन ऑर्डर टू कंज्यूम, है ना। हम पहले अपने फैमिली के लिए वो उसको हटा लेती है, एक तरफ कर लेती है कि वॉट एवर इज रिक्वायर्ड बाय द फैमिली दैट शुड बी फुलफिल्ड फ्रॉम दैट कैच ओनली, है ना। तो एक पार्ट वो अपने कंजम्पशन के लिए हटा लेती है और बाकी जो बचते हैं उसका ऑक्शन हो जाता है ना। और जब ऑक्शन होगा तो उसको मनी मिलती है, और जब मनी मिलती है तो क्या होता है, उस मनी के हमने यहीं तक हमने किया था कि उस मनी के फोर पार्ट्स होते हैं। फोर पार्ट्स में क्या हमने देखा था कि जो एक पार्ट है वो जाता है अरुणा एंड पारिवेलन को, एक पार्ट जाता है ब्रदर को, अरुणा के ब्रदर को, एक पार्ट जाता है अरुणा की ब्रदर इन लॉ को। एंड व्हाट अबाउट द फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट किस लिए होता है? फोर्थ पार्ट जो होता है वो इसलिए होता है कि क्योंकि ये जो तीनों लोग जा रहे हैं फिशिंग के लिए, तो वो कैसे जाते हैं, दे गो इन कैटमरन। कैटमरन जो होती है वो फिशिंग की जो फिश फिशिंग की जो बोट होती है उसी को कैटमरन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो इनका कैटमरन है इसमें इन्होंने इंजन लगा रखा है, इनका अपना कैटमरन है, कैटमरन में इंजन लगा रखा है और नेट भी यूज होती, विदाउट नेट दे कैन नॉट डू द फिशिंग, है ना। तो ये जो इक्विपमेंट्स हैं इसको इन्होंने परचेज किया है, कैसे परचेज किया है, लोन लिया है बैंक से। तो वेन एवर वी टेक लोन फ्रॉम द बैंक वी हैव टू रीपे द लोन, है ना, हमें रीपे करना पड़ता है। तो इनको भी रीपे करना पड़ रहा है, हर मंथ में उनको एक पर्टिकुलर जो अमाउंट है जिसको हम ईएमआई कहते हैं वो बैंक को देना पड़ता है, है ना। तो अब ये किसने खरीदा है, ये खरीदा है अरुणा एंड पारिवेलन ने। कैटमरन, इंजन, नेट, ये किसका है, ये है अरुणा एंड पारिवेलन का। तो अब अरुणा एंड पारिवेलन को इंजन और कैटमरन के लिए जो उन्होंने लोन लिया उसको उनको पे करना है। तो पे करने के लिए क्या चाहिए, दे नीड मनी। तो जो फोर्थ पार्ट की हम बात कर रहे हैं वो इसी कारण से अरुणा एंड पारिवेलन को जाता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि ये सपोज मनी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, है ना। एक पार्ट गया अरुणा एंड पारिवेलन को, सेकंड पार्ट गया अरुणा के ब्रदर को, थर्ड पार्ट गया ब्रदर इन लॉ को, है ना, और फोर्थ पार्ट जो है दैट इज फॉर कैटमरन एंड इंजन। अब हम क्या देख रहे हैं, ये फोर्थ पार्ट, ये कैटमरन और इंजन किसका है, दिस बिलोंग्स टू अरुणा एंड पारिवेलन, है ना। अरुणा एंड पारिवेलन ने उसको परचेज किया है, उसके लिए लोन लिया है, लोन के कारण उनको हर बैंक को रीपेमेंट करना होता है, तो दे नीड मनी। तो इसलिए हम क्या देखेंगे, अरुणा और पारिवेलन को दो पार्ट मिल रहा है, ये तो मिला ही अरुणा पारिवेलन को और ये पार्ट भी मिल रहा है अरुणा एंड पारिवेलन को, है ना। तो अगर हम इस तरह से देखते हैं तो अरुणा के ब्रदर को मिलता है 1/4 पार्ट, अरुणा के ब्रदर इन लॉ को मिलता है 1/4 पार्ट, और लेकिन अरुणा को अगर हम पूरा देखें तो कितना मिल रहा है, हाफ, है ना। 1/4 तो उसका ये हुआ क्योंकि फोर पार्ट्स हो रहे हैं तो एक पार्ट तो उसे मिलेगा ही, और जो 1/4 मोर मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि उसने कैटमरन और इंजन के लिए उसको पे करना है। तो इस तरह से उनके बीच में मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके। और यहाँ पर एक हम बहुत अच्छी चीज क्या देखेंगे कि अरुणा एंड पारिवेलन दे हैव परचेज्ड इंजन, दे हैव
गॉन फॉर इंजन. क्यों इंजन उन्होंने खरीदा? क्योंकि इफ इंजन इज देयर इन द कैटामरन देन कैटामरन विल बी एबल टू गो फार अवे इन द सी, है ना. सी में वो काफी दूर तक जा सकते हैं इंजन के साथ. अगर कैटामरन में इंजन नहीं होगा तो उनको काफी जो किनारे पर ही उनको रहना पड़ेगा, आगे जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा विदाउट इंजन. और इंजन है तो वो काफी आगे तक चले जाते हैं, और जब आगे तक जाएंगे जहां पर कि कम ही लोग जा रहे हैं बिकॉज ऑफ बिकॉज हर किसी के कैटामरन में इंजन नहीं है, है ना. तो जिसके कैटामरन में इंजन है वो लोग दूर तक जाएंगे, तो वहां पर कुछ कम ही लोग होंगे कंपैरेटिवली, तो क्या होगा वहां पर वो उनको फिश ज्यादा मिलेगी, है ना. और फिश ज्यादा मिलेगी तो उनका प्रॉफिट होगा. तो दूसरी चीज क्या है कि कैटामरन और में जो इंजन उन्होंने लगाया उसके लिए जो उनको मनी की रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने कहाँ से पूरी की? वो उन्होंने बैंक से लोन लिया. उन्होंने किसी प्राइवेट पर्सन से लाइक ट्रेडर से या किसी और से लोन नहीं लिया, बल्कि बैंक से लोन लिया. एंड वी हैव सीन इन द केस ऑफ शेखर कि अगर हम ट्रेडर से लोन लेते हैं या किसी प्राइवेट पर्सन से लोन लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि फिर वो अपने कंडीशंस रखता है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को करता है, इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट. बट व्हेन वी टेक लोन फ्रॉम द बैंक इन दैट सिचुएशन द बैंक्स आर बाउंड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट. और जो रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो कैसे हैं? वो ऐसे होते हैं ताकि लोगों को परेशानी कम से कम हो. गवर्नमेंट जो होती है वो ऐसे रूल्स बनाती है जिससे कि लोग अपने गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बनाती है जिससे कि लोगों को स्पेशली जो पुअर पीपल हैं उनको कम से कम परेशानी हो. लाइक जो बैंक्स होते हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं, है ना. और इसके अलावा जो बैंक्स होते हैं वो किसी तरह की कंडीशन भी नहीं लगाते हैं, तो ये इनको इनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है. इट्स अ पॉजिटिव थिंग, है ना. अब हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे जब ये फिश वापस लेकर आई और ऑक्शन हो रहा है, और ऑक्शन जब हो रहा है तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है ना. सेलिंग और परचेजिंग दोनों चल रहा होता है. लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि फिश खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं. देर आर वुमेन ऑल्सो हु आर परचेजिंग द फिश. और जो मोस्टली यही होता है कि जो वुमेन खरीदती हैं वो कहाँ बेचने के लिए खरीद रही हैं? इन द नियर बाई विलेज. दे आर परचेजिंग नॉट फॉर देयर पर्सनल कंजम्पशन, है ना. यहाँ पर जो सेलिंग एंड बाइंग हो रहा है वो जैसे कि एक पहले तो वो जो फिशरमैन थे उन्होंने लेकर आया, वो लेकर आए फिश को, पकड़ के लाए फिश को. अब यहाँ पर ऑक्शन हो रहा है और इस ऑक्शन में जो परचेज करने वाले हैं दे आर नॉट द कंज्यूमर्स, है ना. वो ये नहीं है कि वो अपने खाने के लिए खरीद ले. मोस्टली यही होता है कि यहाँ पर जो परचेजिंग हो रही है वो लोग परचेज करते हैं जिनको कि उसको फिर से वो जाकर के बेचेंगे. जैसे जो वुमेन हु आर परचेजिंग द फिश फ्रॉम दिस विलेज दे विल गो इन द नेबरिंग विलेज, है ना. एंड उस नेबरिंग विलेज में जाके वो उसको सेल करेंगी, ठीक है. जितने में यहाँ पर खरीदा उन्होंने पुडुपेट विलेज में, उन्होंने जितने भी प्राइस में खरीदा उससे ज्यादा प्राइस में वो जाकर के अदर विलेजेस में सेल करेंगी. तो वो जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? उनका प्रॉफिट हो जाएगा, है ना. और वहाँ पे ट्रेडर्स भी आते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फिश वहाँ पे पकड़ के लोग लाते हैं, तो ट्रेडर्स भी आते हैं फिश खरीदने के लिए. और जो ट्रेडर्स होते हैं वो फिश को परचेज करते हैं, और कहाँ वो उसको सेल करते हैं? दे जो टाउन्स होते हैं, है ना, बगल के जो टाउन्स हैं उनमें जो शॉप्स के लिए वो परचेज करते हैं. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पुडुपेट में जो विलेज में जो मछली पकड़ी जा रही है वो उस मछली को फिर नियर बाई विलेज में वो जा रहा है, फिर वो टाउन्स में भी पहुंच रहा है द सेम फिश, है ना. और इस तरह से ये जो है ये काम होता है. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी आती है. पीपल हु आर एंगेज्ड इन द फिशिंग एक्टिविटी दे फेस अ प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम इज कि दिस इज ऑल्सो
नॉट अ रेगुलर वर्क। इसमें भी प्रॉब्लम ये आती है कि पूरे थ्रू आउट द ईयर दे आर नॉट एबल टू डू द फिशिंग एक्टिविटी। वाई दे आर नॉट एबल टू डू द फिशिंग एक्टिविटी फॉर द होल ईयर? बिकॉज वॉट हैपन्स दैट एवरी ईयर ड्यूरिंग द मानसून मंथ फॉर एटलीस्ट 4 मंथ्स होते हैं, ठीक है, ये जो 4 मंथ्स होते हैं जिसको कि हम मानसून मंथ्स कह रहे हैं, जिसको कि हम रेनी सीजन कहते हैं, रेनी सीजन और मानसून, वी हैव डिस्कस दिस इन द ज्योग्राफी, हमने देखा है ना ज्योग्राफी में कि इंडिया में मानसून से ही बारिश होती है ना। तो जो 4 मंथ्स होते हैं उन 4 मंथ्स में वो सी में नहीं जा सकते हैं मानसून के सीजन में। क्यों नहीं जा सकते हैं? बिकॉज वो जो टाइम होता है वो फिश के ब्रीडिंग का टाइम होता है। व्हाट इज ब्रीडिंग? ब्रीडिंग BREDING। आप ये जो ब्रीडिंग हम देख रहे हैं उसका मतलब क्या होता है कि जो फिश होती हैं वो एग्स देती हैं, दे ले एग्स, है ना, और फिर उस एग में से फिश निकलती हैं। तो ये जो सीजन होता है ये इनका एक टाइम फिक्स होता है, उसी टाइम में ये काम होता है, एग का आना, फिर एग में बेबी है, वो एग फिर निकलती है, फिर वो एग से बेबी निकलती है ना। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो इसी समय चलता है मानसून सीजन में ही। तो अगर सपोज मानसून सीजन में भी अगर फिशरमैन जाएंगे और फिश को पकड़ेंगे तो क्या होगा, फिर ब्रीडिंग तो हो नहीं पाएगी, है ना, फिर एग्स में से न्यू फिश तो निकल ही नहीं पाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर वो नए मछलियां तो आएंगी ही नहीं, सारी फिश खत्म हो जाएंगी सी में से। फिर बाद में क्या होगा कि नंबर ऑफ फिश जो है वो कम होती जाएगी, है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो उनका काम चलता रहे, नंबर ऑफ फिश जो है वो कम नहीं होनी चाहिए ना सी में। वो तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फिश हो सी में ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मछली हमें पकड़ सके हम और उनको प्रॉफिट हो सके। बट अगर वो इस सीज़न में, रेनी सीजन में भी अगर वो फिशिंग करते रहेंगे तो फिर नंबर ऑफ फिश कम हो जाएगी क्योंकि उनका ब्रीडिंग नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस कारण से जो फिशरमैन होते हैं वो ये 4 मंथ्स जो हैं वो बिल्कुल भी सी में नहीं जाते हैं, वो छोड़ देते हैं कि ताकि मछलियों का जो रिप्रोडक्शन है वो हो जाए, नए नए फिश जो हैं वो बर्थ ले ले, अंडे में से निकल जाए, एग में से निकल जाए, इसके लिए वो उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ना, तभी तो उनका काम चलेगा, अदरवाइज दे विल बी इन अ ट्रबल। तो ये 4 मंथ्स जो हैं वो उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक मंथ्स होते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव दीज 4 मंथ्स बिकॉज दे आर अर्निंग एवरी डे, है ना, एवरी डे द फिशरमैन इज ब्रिंगिंग द कैचिंग द फिश एंड देन इट इज बींग ऑक्सेंड, है ना, और उससे पैसे मिल रहे हैं, उसी पैसे से उनका जो भी नीड्स है वो पूरा हो रहा है। अब अगर ये फिश पकड़ना बंद हो जाएगा तो उनके जो सोर्स ऑफ इनकम था, जिसको हम कहेंगे, या सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, वो पूरी तरह से बंद हो गया फॉर द 4 मंथ्स। तो ये 4 मंथ्स उनके लिए बहुत ही टफ होता है सर्वाइव करना। और क्या होता है, कई बारी पीपल हैव टू टेक लोन, है ना, लोगों को लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे हमने देखा था उसके बारे में, शेखर को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कि एक मीडियम फार्मर था, उसमें भी हमने देखा था कि उसके पास भी जो प्रोड्यूस होता है दैट इज ओनली फॉर 8 मंथ्स, फिर 4 मंथ्स में उसके पास कोई भी चीज़ नहीं होती जिसको कि वो कंज्यूम कर सके, और तब उसको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम देखना पड़ता है, है ना। उसमें भी कई बारी जो फार्मर्स होते हैं उनको लोन लेना पड़ जाता है। तो इसी तरह का सिचुएशन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फिशरमैन है वो ये 4 मंथ्स में इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ देयर लाइफ, दे समटाइम्स, मेनी टाइम्स दे हैव टू टेक लोन्स। अब यहाँ पर लोन किससे लेंगे? ये जो लोन इनको लेना होगा
इसमें लोन इनको बैंक से नहीं मिलेगी। ये भी एक चीज है, क्यों? क्योंकि बैंक जो है वो लोन देने का जो पर्पस होता है दैट इज फॉर इकोनॉमिक पर्पस, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बैंक लोन देती है, इसके लिए लोन मिलना मुश्किल है। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस दैट द फिशरमैन हैज टू टेक लोन फ्रॉम ट्रेडर्स। आई टोल्ड यू ना कि जो विलेज है पुडुपेट, वहां पर जो मछली की जो सेलिंग होती है, वो सेलिंग में हम क्या देखते हैं, कौन खरीद रहे थे? वुमेन खरीद रही थी फॉर द नियर बाई विलेजेस एंड ट्रेडर्स वर परचेजिंग ऑल्सो फॉर द टाउन्स, है ना। तो ये जो ट्रेडर्स हैं इनके साथ फिशरमैन का एक वो होता है, पहचान होती है। तो ये जब इन्हें फिशरमैन को जब पैसे की जरूरत होती है तो ये इसी ट्रेडर से पैसे लेते हैं, और जब ये ट्रेडर से पैसे लेते हैं तो फिर इनकी कंडीशन खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है? कि ट्रेडर जो है वो इस पे फिर से वही कंडीशन लगाता है जो हमने देखा था शेखर के मैटर में। क्या कंडीशन लगाता है? कि वेन एवर यू कैच द फिश एंड जब उसको सेल करना होगा तो तुम उसका ऑक्शन नहीं कर सकते हो। फिर वो ट्रेडर कहेगा कि सारी मछलियां मुझे दो, और जो भी मैंने वो रेट लगाएगा उसी रेट पे मतलब उसको लेना पड़ता है। अगर ऑक्शन की से सेलिंग होती है तो क्या हमने देखा था कि फिक्स रेट नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द फिश द प्राइस इज डिटरमाइंड। तो उसमें फिशरमैन को फायदा होता है बिकॉज फिश जो होती है बिल्कुल फ्रेश होती है और काफ़ी अच्छे प्राइस उनको मिल जाते हैं। लेकिन जब ट्रेडर उनसे वो सामान लेता है तो वो क्या करता है कि वो ऑक्शन तो नहीं करेगा, वो तो एक फिक्स अमाउंट हो गया कि हाँ इतने रुपीस केजी के हिसाब से वो लोगों को इन फिशरमैन को पैसे देता है। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है कि वो ऑक्शन नहीं कर पाते हैं, उनको कंपैरेटिवली कम प्राइस पे ट्रेडर को सेल करना पड़ता है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो फिशरमैन को फेस करनी पड़ती है। सो वी हैव सीन कि वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विच द फिशरमैन फेस इन द पुडुपेट विलेज, बट इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ ओनली पुडुपेट विलेज। ये सिर्फ पुडुपेट विलेज की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हर जगह जहाँ भी फिशिंग एक्टिविटी हो रही है, वेयर एवर पीपल आर एंगेज इन फिशिंग एक्टिविटी, दे फेस द सेम प्रॉब्लम। क्योंकि हर जगह ब्रीडिंग की सीजन ऐसे ही 4 months की होती है, उस समय उनको सी में नहीं जाना है, एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव दे हैव टू टेक लोन्स, एंड वेन एवर दे टेक लोन्स फ्रॉम ट्रेडर्स इसी तरह के कंडीशंस लगाते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। उनको तो प्रॉफिट हो जाती है ट्रेडर्स को, बट जो फिशरमैन है उनकी कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है। ओके, सो ये एक प्रॉब्लम हुआ। वन मोर प्रॉब्लम इज देयर एंड दैट इज लाइक कभी प्रीवियसली वी हैव सीन कि जब अरुणा के हस्बैंड ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ जब वो गए थे फिशिंग पे और वापस आने में उनको देर हो रही थी, हमने देखा था ना कल, है ना, तो देर हो रही थी तो अरुणा वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत वरी कर रही थी भाई कि क्या हो गया अभी तक आए क्यों नहीं, क्योंकि सी जो है वो बहुत ही डेंजरस टाइप ऑफ थिंग हमारे लिए होता है कि जिस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो वो बहुत परेशान थी और जब वो वापस आए तो पता भी चला कि स्टॉर्म था जिसकी वजह से उनको लेट हो गया। तो स्टॉर्म जो है अगर वो छोटा हो, कम लेवल का हो, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ये स्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, और जब ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि फिशिंग करने के लिए जो लोग गए होते हैं वो कई बार वापस नहीं आ पाते हैं, उसी सी में वो डूब जाते हैं, उनके साथ किसी भी तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और इसी में एक बहुत ही रेलिवेंट चीज़ है, दैट इज सुनामी। सुनामी वी हैव डिस्कस दिस सुनामी इन ज्योग्राफी ऑल्सो, है ना, कि हमने देखा था कि किस तरह से सुनामी की प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग
सुनामी जो होता है वो सी का जो बेड है बिल्कुल नीचे वाला जो सी का फ्लोर होता है, ठीक है, सी के फ्लोर में जब अर्थक्वेक आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी से सुनामी कहते हैं। जैसे ये जो है वो सपोज करो दिस इज द बेड ऑफ द सी, यहाँ तक सी गहरा है, ठीक है, सी जो है यहाँ पर गहरा, ये सी का फ्लोर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अर्थक्वेक आ रहा है इसमें, ठीक है, यहाँ पर जब अर्थक्वेक आएगा तो इस अर्थक्वेक की वजह से जो समुद्र की जो लहरें हैं, जो वेव्स हैं, वो बहुत ऊंची उठती है ना, बहुत ज्यादा ऊंची उठती है। और उसके कारण क्या होता है कि जो नेबरिंग एरियाज होते हैं वो सब फ्लडेड हो जाते हैं। तो ये सुनामी जो हम देख रहे हैं इसकी वजह से अगर इस तरह का कोई सिचुएशन होता है, जैसे कि हमारे कंट्री में हम लोगों ने सुनामी को फेस किया है, वी हैव फेस्ड दिस सुनामी इन द ईयर 2004, हमने इंडियन ओशन में जो कि हमारे साउथ में हमने देखा है ना, जियोग्राफी में वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, इंडिया जो हमारी कंट्री है उसका जो साउथ है सदर्न पार्ट में जो वही है इंडियन ओशन है ना, तो इंडियन ओशन के ही बेड में वो आई थी सुनामी, जिसका जो इम्पैक्ट था वो हमारी कंट्री पे बहुत ज़्यादा हुआ था। तो अगर इस तरह के सिचुएशंस आते हैं, सुनामी जैसी अगर नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, तो ये यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ फिशरमैन। तो इस तरह के नेचुरल कैलामिटीज जो होते हैं वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फॉर दीज फिशरमैन। सो दिस इज ऑल अबाउट द विलेज उडुपेट, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द विलेज ऑफ कल्पट्टू एंड द विलेज ऑफ उडुपेट, एंड इन बोथ द विलेजेस वी आर सीइंग दैट पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी, है ना, जैसे कि जो हमारा कल्पट्टू विलेज था वहाँ पर दैट इज नॉट अ कोस्टल विलेज, तो वहाँ पर पीपल आर एंगेज इन फार्मिंग एक्टिविटी, एंड अदर देन फार्मिंग एक्टिविटी दे वर ऑल्सो इंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, तरह तरह के चीज़ों को बनाना, बास्केट मेकिंग, देन कार्ट मेकिंग, पॉट्स मेकिंग, पीपल आर इंगेज इन दीज, देन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे, वॉशरमैन है, कॉबलर है, बार्बर है, देन पीपल वेर ओइंग शॉप्स ऑल्सो, ट्रेडर्स वर ऑल्सो देयर। सो इस तरह से जो डिफरेंट काम होते हैं वो लोग करते हैं, है ना, और इसके अलावा जो मेन काम तो फार्मिंग था, इसी तरह से पुडुपेट विलेज में हमने देखा कि जो मेन फंक्शन था वो फिशिंग था। सो रूरल लाइवलीहुड में जो हमने देखा जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो आ रही है वो यह है कि लैक ऑफ रेगुलैरिटी। अगर हम फार्मिंग एक्टिविटी को देख रहे हैं तो वहाँ पर भी वी आर सीइंग जैसे तुलसी जैसे जो फार्मर्स हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम है कि दे आर नॉट एबल टू गेट द जॉब, गेट द वर्क फॉर होल ऑफ द ईयर, है ना, उनको पूरे साल काम नहीं मिलता है, काम मिलेगा नहीं मिलेगा इट्स नॉट फिक्स्ड। तो ये जो कंडीशन होती है ये बहुत ही पुअर कंडीशन होती है, जिसमें मुझे हमें ये नहीं पता होता है कि आज के दिन में आई विल बी एबल टू अर्न सम मनी और नॉट, बिकॉज ये इतने जैसे तुलसी जैसे जो फार्मर्स हैं जब हम उनकी बात कर रहे हैं तो वो उस लेवल के फार्मर्स होते हैं, उस लेवल की उनकी कंडीशन इकोनॉमिक होती है कि जब तक वो अर्न नहीं करेंगे तब तक वो अपने बेसिक नीड को पूरा नहीं करते हैं, वो जो कुछ भी वो अर्न करते हैं एक दिन में उसी को वो कंज्यूम करते हैं, तो उनके पास कोई बहुत जमा पैसा नहीं है, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो वॉट एवर दे आर अर्निंग दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम, एंड इफ दे आर इन सच अ सिचुएशन दैट दे आर नॉट एबल टू गेट वर्क फॉर 4 मंथ्स और 5 मंथ्स, देन इन दैट सिचुएशन वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह फंस जाते हैं। और इसी तरह से हमने देखा उसको शेखर, शेखर ने भी जो जो भी प्रोड्यूस किया क्रॉप वो सिर्फ 8 मंथ ही उसके लिए सफिशियंट हुआ, फिर नेक्स्ट के 4 मंथ्स में उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, हालांकि ही इज एबल टू डू अदर वर्क्स ऑल्सो, लाइक ही इज कलेक्टिंग पैडीज फ्रॉम अदर विलेजेस फॉर द राइस मिल ऑफ रामालिंगम,
देन ही इज हैविंग अ काउ, हाइब्रिड काउ ऑल्सो. तो अगर इस तरह के एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो किसी फार्मर के पास तो फिर उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी. तो इसी तरह से फिर हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि पुडुपेट विलेज में भी फिशिंग जो फिशरमैन है उनको भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही है कि 4 मंथ्स उनका काम रुक जा रहा है. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर. जो भी रूरल लाइवलीहुड जैसे फार्मिंग, फार्मिंग में वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर. क्यों नेचर पे हम डिपेंडेंट है? इरिगेशन के लिए. क्यों साल भर खेती नहीं हो पाती है? वाई इट इज नॉट हैपनिंग? एक ही क्रॉप होता है. क्यों एक ही क्रॉप होता है? क्योंकि क्रॉप के लिए पानी चाहिए. पानी कहाँ से आता है? पानी मॉनसून, जो बारिश होती है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द फार्मिंग एक्टिविटी. तो इस कारण से, मोस्टली इसी कारण से साल भर में एक ही क्रॉप हो पाती है. अगर इरिगेशन की फैसिलिटी हो, लाइक वेल हो, ट्यूबवेल हो, फिर कनाल से अगर वाटर आ रहा है, अगर उस तरह की कोई सोर्स ऑफ इरिगेशन होता है तो फिर उसमें 2 क्रॉप या कभी कभी 3 क्रॉप भी हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसी तरह से हम नेचर पर डिपेंड होते हैं जिसके कारण इस तरह के सिचुएशंस रूरल एरियाज में हम देख रहे हैं, रूरल लाइवलीहुड में ये प्रॉब्लम्स आते हैं. सो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास. दिस इज ऑल फॉर टुडे.